बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लाइफ विद एलिया। तो आज हम मक्खन को घी में कैसे तब्दील करते हैं इसकी रेसिपी देखते हैं, आपको बनाना सिखाते हैं। तो मक्खन कैसे बनाया इसकी रेसिपी हम आपको पिछली वीडियो में दे चुके हैं, तो अब हम इस मक्खन को देसी घी में कैसे कन्वर्ट करेंगे तो वो अब आपको दिखाते हैं। चिली उसको हमने रख दिया गरम होने के लिए और उसके अंदर अब हम ये बटर डाल देंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसे हल्की आंच पे हमने पकने के लिए रख दिया, तो जैसे ही इसका पानी जो है खुश्क हो जाएगा तो फिर आपको नेक्स्ट दिखाएंगे दोबारा। तो व्यूवर्स देखें, इसकी पहले झाग बनना शुरू हुई और ये ऊपर उठना शुरू हो गया, जैसे दूध उबलने के लिए ऊपर कूदता है। अब जो है झाग ज़रा कम हो गई है और जो लेयर एक नीचे बैठना शुरू हो गई है। इसको अगर आप नीचे बैठ आपकी देखची नीचे चल जाएगी, इसलिए इसको ज़रा हिलाते रहेंगे, आँच हल्की रखेंगे। तो इसको पकने देते हैं, दोबारा आपको अगला स्टेप दिखाएँगे। तो व्यूवर्स आप देख रहे हैं जो झाग ऊपर आ गई है और जो वेस्ट मटेरियल था वो नीचे बैठना शुरू हो गया। हम इसको लगातार हिलाते रहे थे इसलिए ये नीचे देगची के साथ जो है चिपका नहीं है। अब इसका कलर हल्का सा बादामी होना शुरू हो गया है जो कि आप देख रहे हैं। अब हम चूल्हा बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे, फिर इसको स्टेन करके आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। तो व्यूवर्स देखें, मज़ेदार सा प्यारा सा देसी घी खुशबूदार बनकर रेडी हो चुका है। खुशबू इसकी जो पकने के दौरान जो है बहुत प्यारी आ रही थी और अब ठंडा भी हो चुका है। थोड़ी देर तक हमने इसको ऐसे ही रूम टेम्परेचर में रखा है, अब इसे फ्रीज़र में रखेंगे तो और ठंडा होके तो जम जाएगा। तो आपका खुशबूदार सा मज़ेदार सा प्यारा सा देसी घी बनकर रेडी हो चुका है। इसको रोटी में रोटी को ऊपर देसी घी लगाएं या रोटी के अंदर डाल के तो पराठा बनाएं, किसी भी फॉर्म में आप यूज़ करें। तो अगर वीडियो अच्छी लगे तो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।